ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। क्या देख रही हो? नए नए फिल्टर्स आए। अरे अरे वाह, तुम्हें क्या हो गया जानी? सीमा मैडम, सुबह से नजला, जुकाम, खांसी, जो सोच सकती हो सब है मुझे। अरे बाबा जाओ फिर आराम करो। कितनी फिक्र है आपको मेरी? बाबा फिक्र नहीं है, जरासीम हमें भी लग सकते हैं, जाओ। बल्कि तुम एक काम करो जानी, एक दिन की छुट्टी ले लो और अपने घर चले जाओ। अब मेरा घर होता तो मैं यहाँ पड़ा रहता, और अपने घर जाने के लिए तो मुझे पूरा एक दिन लगता है, बेहतर जी मैं यहीं आराम कर लूँ। वैसे जानी कहीं भी नहीं जाएगा। जानी तुम बीमार होकर भी कितने हैंडसम लग रहे हो। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत। मैं आराम कर लूँ? बाबा जाओ आराम करो, जाओ जाओ जाओ। बाबा ये तो बहुत ही बीमार हो गया है। जानी, अरे बाबा जानी किधर है? बाबा इधर आओ यार। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे बाबा जानी, वो धोबी के पास से मेरा सफेद काटन का सूट आना था, बाबा आया? आना तो था, लेकिन आपको मालूम है ना मुझे बुखार है। अरे बाबा मैं तो भूल गया कि तुम्हें बुखार है। बाबा जाओ आराम करो, बाबा जाओ आराम करो, हमें ना लग जाए जरा सी। आराम ही तो कर रहा था। अरे ओ जानी, जानी मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे मोबाइल के लिए नया चार्जर लेकर आ, तुम अभी तक मेरा चार्जर नहीं लाए हो। आपको मालूम है ना मुझे बुखार है, ठीक होते ही ले आऊंगा। हाँ जानी माफ करना, मैं तो भूल गई थी सारी सारी। जानी वैसे तुम बुखार में भी ना बड़े हैंडे शेक लग रहे हो। हद हो गई, क्या खाक में आराम करूंगा। जानी जानी जानी, वो ऑफिस में एक क्लाइंट आ रहे हैं, तुम्हें ऑफिस जाना होगा, एक मीटिंग है। और तुमने क्या हंगिया बना रखा है अपना? पता तो है मुझे बुखार। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं क्लाइंट को मना कर देती हूँ, बाद में कर लेंगे। ठीक है, जाओ जाओ। भाई क्या खूब किसी भले आदमी ने कहा है कि कब्र में सुकून और आराम मिल सकता है। क्या हो गया तुझे? जानी, ओ जानी दरवाजे पे बेल बज रही है, देखो। जानी कब से दरवाजा बज रहा है, खोलो भला। वो जानी सारी सारी मैं भूल गई थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ना फ्रेश फ्रूट का ना शरबत बना के ले आऊंगी। आराम करो आराम, मैं दरवाजा खुलती हूँ। हाय बेचारा मेरा, हे हे, पता नहीं कब तक बीमार रहेगा, भला घर में खाना कौन बनाएगा, मैं तो भूख से और पतली हो जाऊंगी। अरे तो भा सबर करो भला, सबर। इतनी देर से मैं घंटियां बजा रहा हूँ, कोई दरवाजे नहीं खोल रहा, तो बलाई से मैं इतना परेशान होने की क्या बात है, वापस से चले जाते। ओहो, तो इसका मतलब ये तुम्हारे से बात करने से बेहतर है इंसान गूंगा हो जाए। तो फिर भला आपने क्या सोचा? है? क्या सोचा? अब तुम जाओ और जानी को भेजो, जाकर बोले मेरे लिए चाय बना के लेके आए। अरे नहीं पापा, बेचारे जानी को मैं नहीं बुला सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर सीमा को भेजो और बोलो अंकल चुनचुन आए। अंकल चुनचुन, चुनचुन हाँ पता है पता है। अरे बाबा तुम खुद ही आवाज देकर उसको बुला लो ना, वो दरअसल ना आजकल मेरे उसके साथ मामला तो ठीक नहीं है। अंकल आपको पता है वो मेरी खूबसूरती और जानत से जलती है, आप खुद ही बुला लो ना। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। सच्ची मुच्ची? अब मेरा मतलब है कि मैं उसे समझा दूंगा कि इंसान को प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, गड़बड़ करते हैं तो केस बिगड़ जाएगा। खैर आपने क्या बोला मेरे को तो समझ नहीं आया, लेकिन आपने जो भी बोला होगा बिल्कुल ठीक ही बोला होगा अंकल। चुन चुन समझ, ठीक है।
ये भला क्या नाम है अंकल? झुन झुन चुन लाइफ क्या झुन लाइफ छा है भला? अरे बाबा आ रहा हूँ। कौन है बाबा? हाँ बोलो बाबा। सर हम आपके लिए बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं। अच्छा बाबा कैसी ऑफर? सर ये हमारे रेस्टोरेंट का नाम है जिसमें हर किस्म के खाने वालों के लिए खास इंतजाम है। अच्छा बाबा दिखाओ दिखाओ फिर बताओ बाबा। आपके लिए खास हम ये मेंबरशिप कार्ड लेकर आए हैं ये सिर्फ 1000 रुपए का है। इसको लेकर आप मुफ्त डील्स हासिल कर सकते हैं। बाबा फिर मुफ्त तो ना हुई ना डील सिर्फ 1000 रुपए देकर। अरे बाबा फिर भी पैसे तो ले रहे हो ना। सर आपके घर में कितने अफराद हैं? अरे बाबा यही कोई 3000। अब आप खुद सोचें 4-5 लोग किसी होटल में एक वक्त का खाना खाने जाएं तो कितना बिल बनता है? यही कोई बाबा 2-3 हजार रुपए। फिर सर हम आपको ये कार्ड भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ 3 दफा घर के तमाम लोगों के लिए मुफ्त खाने की डील्स। अरे बाबा मुफ्त वो भी 3 दफा? सर अब सोच ले। अरे बाबा ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। लो बाबा लो कार्ड डाला। सर आप इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर आपके घर में खाना हाजिर। वाह सही वाह क्या बात है। सर अब इजाजत है हमें? किस बात की बाबा? सर यहाँ से जाने की। आ बाबा जाओ जाओ बाबा जाओ। समझ लोगे जानी कहीं मर जाए या कहीं चला जाए तो बाबा तुम लोग तो भूखे मर जाओगे। अरे जब से मैं यहाँ आया हूँ एक गिलास पानी किसी ने नहीं पूछा तो चाय की तो बहुत दूर की बात रहेगी। जब आपको पता चल गया था तो आपको चाहिए था कि आते हुए हम सब के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आते। वाह 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 बहुत अच्छी बात बोली भाई। इसका मतलब ये है जो भी मेहमान इस घर में आए वो खाना पीना तुम लोगों का भी लेकर साथ आए। जी बिल्कुल। वो सुना नहीं आपने? आने वाला मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आता है। समझ गया मैं बिल्कुल समझ गया। लो तो गई है बाबा। मेरा तो बस चले तो मैं सबको जला दूं। वो तो वैसे ही लगाती फिरती हो। देखो बाजा इस वक्त मेरे मुंह नहीं लग रहा मेरे को बहुत भूख लगी हुई है। वैसे मैं कौन सा तुम्हारे मुंह लगती हूँ? और मुझे एक बात तो बताओ ऐसा कौन सा वक्त है जब तुम्हें भूख नहीं लगती? अंकल जुन जुन तुम्हारी आंखों के सामने अगर मैं तुम्हारी भतीजी को मारूं ना तो फिर भला मेरे से शिकवा नहीं करना बता रही हूँ। मेरे सामने ना। वैसे भी भाई दोनों मेरे बच्चियों की जगह हो आपस में मत लड़ो। बस ये यकीन करो कि भूख मुझे भी बहुत जोर से लगी। बाबा जरीना क्या हो गया क्यों रो रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदा मेरे को बहुत भूख लग रही है। मेरा भी बता दो इसको भूख मुझे भी बहुत जोर से लगी। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है लेकिन खाना बनाएगा कौन? हाँ बाबा मैं भी कब से ना अपने कमरे में लेटा इंतजार कर रहा हूँ कि जानी की आवाज आएगी खाना तैयार हो गया है लेकिन पता नहीं क्या मौत पड़ी थी उसको बीमार होने की। अरे यार वो भी तो इंसान है नौकर तो क्या है कोई मशीन तोड़ी है गन्ना डाला और रस निकल आया बीमार होगा कोई बात नहीं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि हम लोग खाना भाई से मंगा लेते हैं आज। हाँ ये बात बहुत अच्छी की है। अरे बाबा एक चीज याद आ गई मैं तो भूल गया था जरा सबर करना। ये तो भूलता भी है। वैसे मेरे को लगता है ये कुछ खाने पीने को लेके आया है वो लेके आ रहा है। वैसे मेरा आदा बहुत होशियार है। लेकिन खाने का सामान लाएगा तो कमरे में क्यों रखेगा? और अगर रखा भी है तो मैंने क्यों नहीं देखा? ऐसी बहुत सी चीजें जो वो अंदर रखता और तुमको नजर नहीं आती हैं। अच्छा जैसे के? दूसरी शादी की ख्वाहिश। हाँ बाबा ये देखो बाबा क्या चीज है। अरे लिया वाह 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 इसमें से खाना निकालेंगे कैसे? ये आप इसको देखो बाबा इसमें खाने लिखे इसको देख के हम जो खाना ऑर्डर करेंगे ना हम फ्री में खा सकते हैं। अरे बाबा तुम लोग एक काम करो इसमें जो है ना अपनी पसंद का खाना बता दो सब लोग फिर मैं ऑर्डर देके मंगवा लेता हूँ कोई नया रेस्टोरेंट खुला है। बाबा आप अब एक काम करो आप लोग इसमें से पसंद करो मैं अपना मोबाइल लेकर आता हूँ फिर ऑर्डर करते हैं। बकरा भी लेके आना मेरे लिए। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं भाई, हम पड़ोसी हैं, कुछ खास बनाएंगे तो आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। आप खा के बताइएगा कैसा लगा आपको। जी जी, हम तो वैसे ही बहुत भूखे, मेरा मतलब है हम तो बहुत अखलाक वाले हैं, जरूर बताएंगे कैसा लगा। ये ना मैं स्पेशल बनाती हूँ अपने हाथों से। जी जी, ये मेरी सिस्टर है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरे शौहर को तो मुझसे ज्यादा इनके हाथ का खाना पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों बहनों में तो बहुत प्यार नजर आता है। जी, हमारी बस एक बात पे नहीं बनती। वो क्या? दरअसल इन्होंने घर में एक डॉगी पाला हुआ है जिससे मुझे बहुत डर लगता है और वो पूरे घर में खुला घूमता रहता है। अच्छा, लगता है इनके पास शौहर नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब है, छोड़े इन फजूल की बातों को, हम आपको खाकर बताएंगे कैसे बना था खाना। चले अब हम चलते हैं। हाँ चले, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वाह वाह पाए। लाओ, बहुत भूख लग रही है। ये लें, गरम गरम खाना। दिखाओ 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 दिखाओ, क्या लाई हो? देखो क्या है इसमें। जी जी। ओए ओए, लो भाई, आप सबको बाय बाय। पाय? हाँ पापा, मैं पाय नहीं खाती। पाय तो मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं खाती? तुम तो गांव की गवारन हो। मेरा मतलब है कि गांव में तो सभी ये सब कुछ खाते हैं। अरे बाबा, गाय हमारी फैमिली की तरह होती है, उसको भला में कैसे खा सकते हैं। अभी से भी अभी हम लोग शहर में रहते हैं, मैं तो डाइटिंग करती हूँ। अरे बाबा, मैं भी खाता हूँ, लेकिन बकरे के पाए, गाय के तो बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा, ये सारे पाए मेरे अकेले के लिए? बस बस, देखो मुझे और मैं खा रहा हूँ। अब हम लोग तो ऑर्डर कर लेते हैं खाना भाई से, आप यही खा लीजिए। मैं तो खा ही दूँ, भूख लगी है, मैं ऑर्डर करता हूँ बाबा, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, जरा मजे ले फिर और लगेगी। हाँ बाबा, आप करो आप करो। ये लो। हेलो। हाँ बाबा, हाँ बाबा, मारा ऑर्डर लिख लो, जल्दी ले आओ, मैं बहुत भूख लगी है सबको, पापा भूख से मर रहे। बाबा तुम क्या खाओगी? बर्गर बर्गर बर्गर। बाबा बर्गर ले आओ, जिसमें मुर्गी डली होती है। हाँ। ना वो वाला। सीमा तुम्हारा कौन सा है? टिक्का। टिक्का? हाँ बाबा, एक टिक्का सीमा का, एक बर्गर हो गया मेरी जरीना का। अब बाबा चार मलाई बोटी बाबा मेरे लिए। उधर देखो, नजर नहीं लगाओ। वाह वाह वाह, तुम्हें जानी पानी लेके आ। मजा आ गया। जानी, ओ जानी। अरे बाबा जानी, इधर आओ। ओ जानी, आया आया आया। अरे यार, इसको ना इतिहास से फ्रिज में रख दे, मैं हर हफ्ते ना जरूर खाया करूंगा। ये ले जा बे, ले जा। अरे बाबा, मैं तो भूल ही गया बाबा, तुम्हारी तबीयत खराब है। खुदा को माने, हमेशा अपने हाथों से खाने बना बना के खिलाए हैं, और आज मेरी तबीयत क्या खराब हुई? आप लोगों ने अकेले अकेले खाना खा लिया, और वो भी पाए। अबे तू भी खा ले, बचा मुझे भाई, खा ले। जानी, तुम ये खाना बिल्कुल मत खाना, तुम्हें बुखार हुआ है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हमने ऑर्डर किया है, तुम वही खाना खाना। ये तो बात है, चले जब वो आए ना तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। ठीक है। अरे बाबा, इसकी तबीयत, अल्लाह माफ करे, इसकी तबीयत खराब थी, हमें आवाज दे दिया। बाबा बच्चू, फोन करके पूछो ना, आधे घंटे का कहा था, अब तो पूरा एक घंटा हो गया, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? हाँ बाबा, अभी करता हूँ। अरे बाबा, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है, मेरे ख्याल में रास्ते में है। जल्दी आ जाए, अब तो खाना। अंकल आप तो खा चुके थे, आपने डकार भी ले ली थी। बार बार दिल चाह रहा है, बार बार दिल चाह रहा है खाने का, क्या हो? बाबा हमें भी भूख लगी है, हमारा भी खाने को दिल चाह रहा है। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
खाना पता नहीं कब बनेगा। जानी भी भला पता नहीं कब ठीक होगा, तब तक तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। काना भूख लग रही है। काना बाजाई काना, अब तो बोला भी नहीं जा रहा, भूख से चक्कर आ रहे। बच्चों अगर मैं मर गई तो तुम उसी शादी तो नहीं करोगे? अरे बाबा करनी तो पड़ेगी ना, लेकिन इस बार ऐसी लड़की से करूंगा जिसको खाना बनाना आता हो ताकि हम भूखे ना मरे। बच्चों भी तो मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकती। हाय हाय हाय, कितने अफसोस की बात है, बाहर से खाना भी मंगवा लिया, खा भी लिया और मजे से बैठी भी है और मुझे पूछा तक नहीं। अच्छा अरे बाबा अभी कोई खाना आया ही नहीं है। बाबा ये तो भूख की वजह से, कमजोरी की वजह से लेटी पड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा जब आ जाए ना प्लीज मुझे आवाज दे देना, मेरा भी यही हाल है। ठीक है बाबा जा, इतना भूखा है। बच्चों फोन करके पता करो ना खाना कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। अरे बाबा अभी 2 मिनट पहले किया था, फोन ही नहीं उठा रहे। फिर तो आने वाला होगा, यकीनन रास्ते में ही होगा। अभी आने दो से बाबा, पूछूंगा। ऐसी सर्विस है बाबा, 2 घंटे हो गए मैं आर्डर दिए हुए, बाबा अभी तक खाना नहीं पहुंचा, भूख से मर रहे। बस जल्दी आ जाए बच्चों, बहुत भूख लगी है। बच्चों भाई कहाँ है वो लोग, कहाँ है रेस्टोरेंट, कोई एड्रेस को पता किया आपने? अरे बाबा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है सिवाय नंबर के। 11 बज गए अभी तक खाने का मालूम करो कहाँ रह गया। मुझे तो लग रहा है मैं भूख से मर जाऊंगी। कवारी मरना तो मेरे को पता चले, लेकिन मैं भूख से नहीं मर सकती, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अब मेरा क्या कसूर है भाई, पाए तुम लोग खाते नहीं, खाते बड़े मजेदार पाए थे। मैं तो खाता हूँ लेकिन इन लोगों के चक्कर में बाहर का इंतजार कर रहा हूँ। अरे बाबा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बाबा वो नंबर ही बंद कर दिया उसने। क्या क्या बच्चू भाई लाए मुझे ला। हाँ बाबा ये लो ये नंबर है इसमें, मैं बैंक को मिलाता हूँ। बच्चू भाई बंद आ रहा है। मेरा ख्याल है बीमारी में भूख से मरना खुदकुशी के बराबर है, मैं तो चला। ये बताइए पाए कहाँ रखे? बाबा फ्रिज में रखे। किचन में बाबा। हाँ मैं तो चला पाए खाने, किसी ने खाने हो तो बता दे। ले आओ बाबा इधर ही ले आओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन पाए नहीं खाऊंगी। हाय हाय पाए तो कमाल थे भाई, नींद आ रही है अब तो। कमाल उसने मजे किए, जो नहीं खाना ना बड़ा ही बदनसीब आदमी भाई। वाह एक मिनट बाबा, एक मिनट सीमा को खाने दो बाबा, एक मिनट बाबा खाओ, बहुत मजे के बने हैं। खाओ बाबा खाओ। जाने बैठो बैठो बैठो, कैरी ऑन कैरी ऑन, खाओ 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 खाओ, मैं जाके देखता हूँ। क्या बात है, कौन आ गया बाबा इस टाइम पे? अरे रुकिए प्लीज, रुकिए प्लीज, आप लोगों ने कहीं वो पाए खा तो नहीं लिए? क्या टेस्टी पाए, मजा आ गया। क्यों क्या हुआ? अरे दरअसल इनके डॉगी ने पाए की पतीले में मुंह मार दिया था। आप लोग आज ही पाए मत खाएं, कल हम आपको दूसरे लाके दे देंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, बाय। कल तक हम जिंदा होंगे तो खाएंगे ना। अबे यार जब भी मैं कहूँ मेरा क्यों दिल जा रहा भौंकने को। तो फिर आप अरे बाबा मेरा ताल्लुक बादशाहों के जमाने से, ऐसी क्या बात है? हम लोग ननियाल की तरफ से जो ना मुगल हैं। बड़ी बात है, मुगलों के दौर में भी भैंसे पालते थे लोग। वैसे आपने क्या क्या ऐजाद किया है डॉक्टर बाल्टी साहब? इसने बाल्टी ईजाद की होगी। क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है, ये किन लोगों में तूने मुझे बुलाया है? बादशाह से पैसे मांग रहा है। अरे जो फीस हमारी तय होती वो तो लूंगा ना, मैं अपने पैसे मांगना हूँ। बादशाह पे इल्जाम, दरोगा ने जिंदा डॉक्टर बाल्टी को बाल्टी में डाला जाए। देख जानी तू ठीक नहीं कर रहा, बता रहा हूँ मैं, तू ठीक नहीं कर रहा। यहाँ बादशाह का क्या काम?
सवालात कम किए जाए, फरियाद बताइए। सीमा से मिलना है, वो है क्या? वो अंदर कैलूला फरमा रही है। क्या हो गया तुम्हें? कौन जरीना? मैं जैनी हूँ, जैनी। मेकअप जरा जल्दी से टिश्यू लेकर आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये आपका दौरे हुकूमत है या किसी जालिम बादशाह का डेरा? ये मासूम रियाया आपकी हर गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। रक्स अच्छा कर लेती हो लड़की। अच्छा अगर ऐसी बात है तो कहो, क्या कहना चाहती हो? बादशाह सलामत, मैं चाहती हूँ कि आप रक्षा चलाना छोड़ दे। शर्म नहीं आती किसी गरीब का हक खाते में? अरे नहीं भाई, मैं तो दाल चावल खाता हूँ। वो वक्त दो नहीं जब तेरा गिरबान मेरे हाथ में होगा। हो नहीं सकता भाई, कोई बात नहीं, मैं बनियान पहन लूंगा। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा। बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।